पिछले दिनों मुंबई में थ्री एरोज प्रोडक्शन हाउस का भव्य ऑफिस ओपनिंग हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कई सारे सितारे व निर्देशक शामिल हुए। जाने माने डांस डायरेक्टर और एक्टर गणेश आचार्य, म्यूजिक डायरेक्टर साजिद, निर्माता वसीम कुरैशी, मनुषी चड्डा, समीर अहमद, जाने माने अभिनेता परितोष त्रिपाठी, करण रमानी और अयूब कुरैशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ऑफिस ओपनिंग के साथ ही प्रोडक्शन हाउस ने सौरभ भास्कर अभिनीत मिसेस फलानी फिल्म बनाने की घोषणा भी कर दी, जिसमें सौरभ भास्कर मुख्य भूमिका में है। इसके साथ ही सौरभ भास्कर इसमें 9 अलग अलग कहानियों में 9 अलग अलग किरदारों में दिखेंगी। ऑफिस ओपनिंग के मौके पर प्रोडक्शन हाउस के निर्माता मनीष किशोर ने कहा है कि हमारा मकसद अलग अलग तरह की कहानियों को दर्शकों के सामने लाना है। हम अलग अलग तरह की कहानियों के साथ बॉलीवुड में कई सारे प्रोजेक्ट्स के साथ दस्तक दे रहे हैं। 15 अगस्त को हुए इस ऑफिस ओपनिंग के दिन ही निर्माता मनीष किशोर का बर्थडे भी मनाया गया। कंपनी में मनीष किशोर के अलावा मधुकर वर्मा, सोफिया अग्रवाल भी पार्टनर हैं। पहली फिल्म मिसेस फलानी में मनीष किशोर और मधुकर वर्मा बतौर डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जबकि कहानी श्वेता रूबी का है। संवाद और स्क्रीन प्ले मनीष किशोर और मधुकर वर्मा ने लिखा है। फिल्म के निर्माता राकेश टोंग, मनीष किशोर, मधुकर वर्मा और सोफिया अग्रवाल हैं। ऑफिस ओपनिंग के मौके पर निर्देशक मधुकर वर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज पूरा बॉलीवुड हमें आशीर्वाद और प्रेम देने आया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सभी का हमें इतना प्यार मिल रहा है। इस मौके पर सोफिया अग्रवाल ने कहा है कि हमारी शुरुआत एक अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्म और अच्छे कलाकारों के साथ होने जा रही है, और आज जिस तरह से पूरा बॉलीवुड हमें प्रेम देने के लिए यहाँ आया है, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। निर्माता राकेश टोंग ने खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि हम लगातार ही कुछ ऐसी अनकही कहानियों को दर्शकों के सामने लाने जा रहे हैं, जिसे अब तक दर्शकों के सामने नहीं लाया गया है। निश्चित रूप से दर्शकों का प्यार हमें मिलेगा और दर्शक हमारे फिल्म और कहानी को एंजॉय करेंगे। मिसेस फलानी बहुत जल्द शूटिंग पर जाने वाली है। फिल्म का फर्स्ट लुक आते ही फिल्म ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है।